खोया चांद, खुला आसमान। कुछ लिया यहाँ से ही लिया, वो भगवान के प्रिय बंदे हम सभी को कुछ न कुछ देते ही गए। उनकी सहद भरी जादुई भरी आवाज और उनके गाने जो चांद सितारों से दूर चले गए, उन्हें हम कैसे भुला सकते। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे। आज वो हम आप सभी के दिल और जुबान पर अपने मीठी मधुर भरी आवाज के गीत के बोल सभी पर राज करते हैं, चाहे ओल्ड जनरेशन हो या न्यू जनरेशन। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, झुक गया आत्मा भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन? जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब। सुना आप सबने, मोहम्मद रफी साहब इस वीक अब सुर बिहार चैनल पर रफी साहब से जुड़े कुछ वीडियो उन देखने को मिलेंगे, जिनमें कुछ अनोखी बातें भी होगी और उनकी संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई उनके बारे में भी आप कुछ स्पेशल जानेंगे। सात स्वरों के बादशाह की वह यात्रा जिनके बीच रहकर वह अपने जीवन को उनमें ही समर्पण कर दिया, जैसे भगवान के चरणों पर बहुत सुंदर सुंदर फूल चढ़ाकर चढ़ाने पर ही पूजा पूर्ण होती है, वैसे हमारे रफी साहब जी के सात स्वर भगवान को प्रतिदिन अर्पण करके उनकी रियाज पूर्ण होती थी, तभी उनकी सुबह की शुरुआत होती थी। मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 में हुआ था। यूं तो वो अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान के रहने वाले थे, पर कुछ समय बाद वे लाहौर में जा बसे। हम सभी तो मोहम्मद रफी को उनके नाम से जानते हैं, पर घर में तो वो फीकू नाम से सबके लाडले थे। कम उम्र में ही उन्होंने संगीत में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। जैसे हम टीचर की बात करें, जैसे टीचर कुछ स्कूल में पेरेंट्स आते हैं, उन्हें बताते नहीं, हाँ जी आपका बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा है, जैसे संगीत है, नृत्य है, वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल, बहुत एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें। अगर पेरेंट्स उस बच्चे को उस टीचर के अकॉर्डिंग उस फील्ड में डालते हैं तो शायद बच्चों को प्रसिद्धि शायद ज़्यादा मिलती है। वैसे ही रफ़ी साहब के ज़िंदगी में फरिश्ते स्वरूप उनके बड़े भाई के दोस्त हमीद जी आए और उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखने का सुझाव दिया। मोहम्मद रफ़ी के तीन गुरु थे, संगीत की शिक्षा ली उनके, मोहम्मद रफ़ी जी के तीन गुरु थे जिससे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, पंडित जीवन लाल मट्टू, उस्ताद
अब्दुल वाहिद अली खान और पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। शुरुआती दौर में उन्होंने राग पहाड़ी, भैरवी, मल्हार, पंजाब के फोक सॉन्ग भी जैसे बहुत सारे कुछ राग और शास्त्र भी सीखे। जैसे हर किसी के लिए कोई न कोई आइडल तो जरूर होता है, वैसे ही रफ़ी साहब के KL सहगल और GM दुरानी को अपना आइडल मानते थे। रफ़ी साहब ने 13 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज शो लाहौर में किया था और वर्ष 1941 से लाहौर ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद रफ़ी साहब की संगीत की यात्रा सुरमई आवाज़ की यात्रा शुरू हुई। चौदिमी का चांद हो या फिताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदिमी का चांद हो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रो के जमाना चाहे रो के खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। हवा की रुख बदल चुकी, हवा की रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। इस भरी दुनिया में आ कर के दिल को समझाने कहाँ जाए। इस भरी दुनिया में आ कर के दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो परवाने कहाँ जाए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे कोई भी सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आँखें
जो तेरी देखी। आप सभी ने जो अभी मैं आप सभी को रफ़ी साहब की जो मैंने सॉन्ग सुनाई वह राग पहाड़ी और भैरवी पर आधारित थे। यह एपिसोड को मैं यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। आप सभी को यह कैसा वीडियो लगा, कैसा उनका लगा, इस स्टोरी के माध्यम से जो मैंने आप सभी को सुनाने की प्रयास की, अगर आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस प्रकार मैं इनकी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आ रही हूँ, इनकी संगीत की यात्रा और न जाने क्या क्या इनकी अनोखी बातें होंगी हम आप सभी के बीच। थैंक यू।